सिंपल इंटरेस्ट पड़ रहे थे ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, थोड़ा बहुत पार्ट बचा है, वो आज कंप्लीट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर। वो दो पुत्रों में धनवटवाड़ा, हाँ हाँ मैं समझ गया, बचा है थोड़ा सा पार्ट।
पहला क्वेश्चन आप देखो, कोई धनराशि है जिसका 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 535 रुपए है, यदि 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दें तो 8 साल में कितना साधारण ब्याज आपको मिलेगा? ये देखो 5 साल में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप 5 साल के बाद ही तो मूलधन को 3 गुना करना, वरना तो हर साल ब्याज बराबर ही मिलता है साधारण ब्याज। अगर पैसा उतना ही जमा किया है, घर भी चेंज नहीं कर रहे, तो जितना ब्याज मिलना उतना ही मिलेगा। तो शुरू के 5 साल तो हमें 535 रुपए मिलेंगे, स्टार्टिंग की अगर हम 5 साल की बात करें तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 535। ये एक महीने का नहीं, पांचों महीने का मिला के 535 रुपए मिल रहा है। तो एक महीने का यहाँ कितना मिल रहा होगा, सॉरी एक साल का अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो एक साल का जो ब्याज मिल रहा है वो कितने रुपए मिल रहा है? लेकिन ये बात केवल शुरू के 5 साल के लिए पहले गई, क्योंकि 5 साल के बाद हमने कुछ चेंज किया, चेंज क्या किया, जो प्रिंसिपल है उसको 3 गुना कर दिया। अच्छा, आप ये जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो तीनों पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। पीआरटी अपॉन 100 ही तो होता है, तो प्रोपोर्शनली होता है इसके। अब अगर मैं कुछ भी चेंज करूंगा प्रिंसिपल में तो साधारण ब्याज में भी तो इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं डबल करूंगा प्रिंसिपल को, मूलधन को डबल करेंगे तो साधारण ब्याज भी डबल होगा, दर पे कुछ भी फर्क पड़ जाए। अगर दर को मैं 1.5 गुना कर दूंगा तो ब्याज 1.5 गुना हो जाएगा। तो इन तीनों में से किसी भी एक चीज को चेंज करेगा तो सीधा इफेक्ट इस पे पड़ेगा साधारण ब्याज में। तो आपने कहा कि हमने मूलधन को कितने गुना कर दिया, 3 गुना। तो अगर हम मूलधन को 3 गुना करेंगे तो ब्याज भी तो 3 गुना ही मिलेगा हमें, ठीक है। तो अब हमें आगे वाले टाइम में ये जो 5 साल है ना, ये कंप्लीट होने के बाद 1 साल का जो इंटरेस्ट है ना वो 107 रुपए नहीं मिलेगा, इसका 3 गुना मिलेगा, 321। रीजन क्या है, अब क्यों 3 गुना मिल रहा है? क्योंकि इसके बाद हमने पैसा है ना वो 3 गुना कर दिया। जब पैसा 3 गुना करेंगे तो ब्याज भी हमें 3 गुना ही मिलेगा, तो इसलिए अब 107 रुपए 1 साल का नहीं मिलेगा, अब मिलेगा 321 रुपए 1 साल। अब आपसे कह रहा है 8 साल का ब्याज बताइए, भाई 5 साल तो कंप्लीट हो गए, 5 साल स्टार्टिंग के हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, तो 8 साल का ब्याज अगर हमें निकालना होगा तो आगे हम और कितने साल का ब्याज जोड़ेंगे? सिर्फ 3 साल का ब्याज निकाल के जोड़ दे तो 8 साल का कंप्लीट, ठीक है। तो अगर हम 3 साल का ब्याज निकालेंगे और 1 साल का कितना है 321, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 3 साल का निकालेंगे तो 3 और 321 से मल्टीप्लाई करिए, आपका 3 साल का जो ब्याज आएगा वो कितने रुपए आएगा, 983। अब यहाँ 3 साल का ब्याज है, यहाँ 5 साल का फिर भी ये ज्यादा है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पैसा ज्यादा हो गया, पैसा आपने यहाँ पर जितना लगाया था उसका 3 गुना इधर लगा दिया, तो इसीलिए हमें जो ब्याज मिल रहा है यहाँ पर वो कितना मिल रहा है, 300। अब टोटल ब्याज कितना हुआ, 535 स्टार्टिंग वाला और 963 ये वाला, दोनों को जोड़ लो कुल ब्याज पता लग जाएगा 8 साल का कितना हुआ। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 और 5 14, यानी कि टोटल 8 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना लगेगा, 14। ऐसे ही होता रहता है, कभी आपसे कहते हैं दर दोगुनी कर दी तो भी वही सेम। अच्छा, दोनों चेंज कर दें, अगर जैसे वो कहते हैं दर को डबल कर दिया तो आप मल्टीप्लाई कर लेना 3 × 2, फिर ये 6 गुना हो जाएगा। जो कुछ भी चेंज होगा ना उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, पता लग जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितने गुना होगा। कोई निश्चित समय के बाद मूलधन, अब ये टाइम थोड़ा ना बताया आपको कितने समय के बाद की बात है, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के लिए। मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो है वो आपको देखता है कितना, 5। और 5 साल के बाद अगर ये 5 साल और 5 साल के लिए, देखो यहां से समझो, यहां लिखा हुआ है अगर ये और 5 साल के लिए निवेश कर दिया जाता, यानी समय को बढ़ाया गया कितने साल, 5 साल, तो ये अनुपात हमारा चेंज हो जाता, फिर ये हो जाता 4। तो वो तो चेंज हो रही है भाई, जितने ज्यादा समय के लिए निवेश करेंगे रेशियो चेंज होता रहेगा। अब जैसे आप सोचो 100 रुपए लगाए आपने, 1 साल का 5 रुपए ब्याज मिले, तो 4 साल में आपको 20 रुपए ब्याज मिले, आपका रेशियो क्या बनेगा, 5/6। अब करेंगे कैसे, देखो एक तरफ आप लिखिए मूलधन और एक तरफ लिखिए। अच्छा, ब्याज की दर निकालना है तो सीधी सिंपल बात है कि 100 रुपए के मूलधन पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, यही बात बता दी, मूलधन 100 रुपए होना चाहिए और 1 साल में ब्याज कितना। तो अभी तो हमारे पास ये मूलधन 100 रुपए है ही नहीं, 5/6 है ना, कोई बात नहीं, अभी आप केवल इसको कैसे लिखिए, 5/6 है, मूलधन को 100 रुपए मानना है, क्या करेंगे भाई, अगर मैं यहाँ पर 5/6 देख रहा हूँ तो 100 बनाने के लिए मुझे इसमें मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी किससे, 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में तो 20 × 5 कितना हो गया, 100, और 20 × 6 कितना हो गया, मैंने रेशियो चेंज नहीं किया, बस केवल इस वैल्यू को 20 गुना कर दिया, जिससे कि हमारा मूलधन कितने रुपए हो जाए, 100 रुपए।
भाई मूलधन तो सेम होना चाहिए ना दोनों केस में, यहाँ मूलधन 5 रुपए और यहाँ मूलधन कितना है 4 रुपए, तो या तो बराबर करो या फिर 100 रुपए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हो सकता है 100 ना बन पाए आपसे, तो आप बराबर कर लेना केवल 5 और 4, ठीक है। अब इसको भी जरा आप 100 बनाइए, अगर 4 को 100 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बताइए, 25 से करना पड़ेगा, तो 25 × 4 कितना हो जाएगा 100, लेकिन मल्टीप्लाई साथ में भी करनी पड़ेगी, 25 का 7 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो 25 का 4 से मल्टीप्लाई करके तो 100 आ गया, लेकिन 7 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया। तो अब मूलधन दोनों केस में 100 ही रुपए, आप काट पीट के देख लो ये वाला रेशियो हमारा क्या होगा, 5:6, यहां से आप एरो को कहां बनाते हो रजिस्ट्रेशन पर हमारे के पास तो नहीं, मतलब मैं उनसे कहता हूं लेकिन अभी तक वो तो आते नहीं, ऐसा है मैं आप नंबर ले लूं से एक बार समझ लो, ये हमारा जो रेशियो था ना, ये 5:6 था ना, हमने क्या किया मूलधन को 100 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दिया 20, तो ये हमारा 100 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, 20 को ना किया केवल बैंक को, ऐसे ही हमारा ये वाला रेशियो 5 साल के बाद में बता रहे हैं 4:7 कितना था 7, तो इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई करना था, अगर 100 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे होगा 25 से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आप समझिए आगे आप सोचिए जरा एक बार, ये जो 120 रुपए है ये 175 हो गया, तो एक्स्ट्रा ब्याज तो कुछ आया होगा, जरा बताओ इस नीचे वाले पैसे में कितना रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है इंटरेस्ट। भाई देखो जितने ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे ब्याज उतना ही ज्यादा मिलेगा, यहां पर इंटरेस्ट मिला केवल 20 रुपए और यहां इंटरेस्ट मिला 75 रुपए, तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है 55 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो आपको ये 55 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये तो कहने का मतलब है भाई ये वाला टाइम तो हमें नहीं पता कितने टाइम के बाद ये 100 रुपए 120 हुए होंगे, महीने में भी हो सकता है फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जरूरत ही नहीं, बस ये पता है कि पहले 100 रुपए 120 हो रहे थे इस वाले रेशियो से, फिर 5 साल और बिताए तो यही 100 रुपए कितने हो गए 175 हो गए, तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिल रहा है 100 रुपए पर 55 रुपए मिल रहा है, अगर 100 रुपए प्रिंसिपल बना लिया जाए तो एक्स्ट्रा ब्याज 55 रुपए मिल रहा है, लेकिन कितने साल में मिला ये एक्स्ट्रा ब्याज, ये आप यहाँ से पढ़िए कितने और साल के लिए निवेश किया 5 साल, तो ये जो एक्स्ट्रा ब्याज आया है ना ये एक्स्ट्रा ब्याज कितने साल में आया है 5 साल। भाई अगर हमने जो पैसा लगाया था जहां भी लगाया उस समय के लिए लगाया तो हमने 100 रुपए लगाए और हमको वापस कितने मिल रहे थे तो 20 रुपए तो इंटरेस्ट हुआ, फिर क्या हुआ उसके बाद और 5 साल के लिए हमने निवेश कर दिया वही पैसा यानी 100 रुपए, तो हमें 120 से बढ़ के अब कितना मिल रहा है तो 55 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है कितने साल की वजह से, अगर 5 साल में 55 रुपए मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, अरे 5 से 55 को डिवाइड करो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा 11 रुपए। अब बताओ पहले मूलधन कितने रुपए है 100 रुपए, 100 रुपए में 1 साल में जितना भी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वही तो ब्याज दर होगी, तो ब्याज की दर जो होगी ना 11% होगी, परसेंट का मतलब ही होता है 100 रुपए, अगर 11% ब्याज की दर होगी तो 100 रुपए में 1 साल में 11 रुपए का ही ब्याज मिलेगा, तो यहाँ भी 1 साल का ब्याज कितना है, तो आप मूलधन को 100 रुपए बना लो या फिर इसको बराबर करो तो भी काम चल जाएगा, जैसे बराबर का मतलब ये 5 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको करना मतलब मैं केवल बता रहा हूँ, अगर आप एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 4 × 6 कितना आ गया 24, नीचे वाले को 20 बनाओ 5 × 4 = 20 और 5 × 7 = 35, अब आप खुद देखिए 20 रुपए हमारा प्रिंसिपल आ रहा है और ब्याज हमको जो मिल रहा है 24 से कितना मिल रहा है 35, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 11 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन टाइम कितना साल लग रहा है 5 साल, 5 साल में 11 रुपए ज्यादा मिलेंगे अगर मूलधन कितना होगा, अगर मूलधन हमारा 20 रुपए होगा, अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के देखो इंटरेस्ट कितने का है 11 का, इंटू 100 मूलधन 20 रुपए
टाइम 5 साल, 20 × 5 100 से 100 कट गया, ब्याज दर कितनी आई 11%, यहाँ निकालना पड़ेगा। और यहाँ कुछ नहीं सोच रहा है, केवल मूलधन 100 रुपए आसानी से बन गया, तो समझ लो आपको जितना भी एक साल का ब्याज दिख रहा है वो हमारा क्या होगा, रेट होगा। अब अगर कल को ये वाला टाइम पूछ ले आपसे, आपसे पूछे यहाँ पर हमें टाइम बताओ कि जो पहले वाला निश्चित समय जो आपको यहाँ पर लेगा, ये टाइम कैसे निकालोगे? अच्छा ये टाइम कैसे निकलेगा, आप या तो ये तो बता सकते हैं पहले वाले केस में ब्याज कितना मिल रहा है 20 रुपए, और एक साल में कितना मिल रहा है 11। तो अगर हम 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो पता लगेगा कि इसका मतलब जो हमें टाइम लग रहा है 20/11 साल का ही लग रहा है, पूरा तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो पूरा टाइम नहीं मिलेगा, पॉइंट में ही आएगा या फ्रैक्शन में ही आएगा। तो 20 रुपए ब्याज हमको मिला है शुरुआत वाले टाइम पे, और एक साल का पता लगा दिया 11 रुपए, तो 11 रुपए के हिसाब से 20 रुपए कमाने में 20/11 साल नहीं लगेंगे, तो इसकी अगर जरूरत पड़े तब ठीक है, ब्याज की दर निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं, ये मत भूलना इसकी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4000 रुपए 2 साल के लिए 5500 रुपए लगाते हैं, 5500 रुपए लगाता है 4 साल के लिए, 1200 रुपए लगाता है 6 साल के लिए, अब ये अलग अलग जगह लगाता हो या कहीं भी लगाता हो, उसे कुल साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 1800। तो ब्याज की दर बताइए, इसका मतलब देखो एक चीज आप समझो, अब ब्याज की दर पूछना, अलग अलग दर होती है अगर, तो आपको कुछ तो बताता कि ब्याज की दर इस हिसाब से अलग अलग है, तो ब्याज की दर इसका मतलब तीनों जगह बराबर है, बस टाइम अलग अलग है, पैसा अलग अलग है। तो अब आप चला इन तीनों को कंप्लीट कीजिए, 4000 रुपए लगाए कितने साल के लिए, लेकिन दर थोड़े ना पता है, तो दर हमने मान ली कितने परसेंट, 8%, इन्होंने लगाए यहाँ पे 2 साल के लिए, फिर उसके बाद 5500 रुपए और लगाए गए, दर समान है 8%, कितने साल के लिए 4, उसके बाद 1200 रुपए हमने लगाए, दर 8% ही रहेगी, और समय कितने सालों का 6 साल। इन तीनों से कंप्लीटली जो इंटरेस्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा 1860, टोटल इंटरेस्ट है 1860। तो हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, हमारे पास एक ही तो तरीका PRT/100, तो जरा इंटरेस्ट निकालो यहाँ पर कितना है। देखो एक बात बताओ, जब आप यहां से इंटरेस्ट निकालेंगे तो P की वैल्यू कितनी है 4000, R की वैल्यू नहीं पता, T की वैल्यू कितनी है 200, और परसेंट बनाने के लिए हमें नीचे क्या रखना है, तो आप यहां से सीधे सीधे बता सकते हैं 40×2 हमारा जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है पहले वाले केस में कितना है 80, R की वैल्यू अभी मिसिंग। अब इसको डायरेक्ट समझो, अगर परसेंट से मैं 2 जीरो काट दूं, यहां परसेंट से 100 ही तो आएगा नीचे, 2 जीरो मैंने काट दी, तो डायरेक्ट नहीं लिखते 40×2 कितना हो जाएगा 80। अब इसमें जरा डायरेक्ट समझो, परसेंट से 2 जीरो काट दो, 55 का 4 से मल्टीप्लाई करना है, और 55 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220×2 कितना आएगा, आधे का डायरेक्ट। ऐसे यहां पर आप परसेंट हटाइए और 2 जीरो हटा दो, 12 का 6 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 72। इन तीनों का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल दिया, चाहे आप PRT/100 रख लो या फिर आप परसेंट से 2 जीरो काट के मल्टीप्लाई कर लो, सेम आना है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया, इसको आप ऐड करिए 80 और 220 कितना हो गया 300 और 72 ये वाला, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना है 372, ये टोटल हो गया। सवाल में हमको टोटल इंटरेस्ट दे रखा है कितना 1860, कंपेयर कर लो आर की वैल्यू आ जाएगी कितना आएगा, 30 का 6 गुना तो नहीं होगा, 5 गुना ही होगा, ये 5×2 = 10, ठीक है ये डायरेक्ट 5 गुना है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कितने परसेंट आ रहा है 5%, ब्याज की दर तो 5% हो गई। कल को अगर आपसे कुछ भी पूछ ले, जैसे आपसे पूछ ले 5500 रुपए का ब्याज कितना होगा 4 साल का, तो यहाँ आर की वैल्यू तो लगा देंगे ना, 5 लगाओगे जैसे यहाँ, यहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा रुपए में, भाई आर की वैल्यू निकाल दिया आपने, आर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 5 आ रही है, तो जहां भी आर की वैल्यू निकालोगे तो ये अमाउंट बन जाएगा, केवल यहाँ पर आर की वैल्यू ही तो मिसिंग है, बाकी तो सब डेटा रखता है, तो जैसे यहाँ आर की वैल्यू पुट करोगे तो आपको इंटरेस्ट रुपए में मिल जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा अलग साइड, 7000 रुपए उधार लिए साधारण ब्याज पर, 3 साल के बाद 3000 रुपए दे दिए और 5 साल के बाद दे दिए 5450। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बहुत बेसिक सा अंतर है कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं तो जो पैसा जमा करते हैं वो प्रिंसिपल में कम होता है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हैं तो पहले इंटरेस्ट को आपको माइनस करना होगा फिर प्रिंसिपल में से कम करेगा अगर कुछ होगा। तो यहाँ पर जैसे आपने ये 3000 रुपए जमा कर दिए, ये 3000 रुपए जमा कर दिए, इसका मतलब ये हुआ, देखो स्टार्टिंग में तो आपने उधार कितना लिया उधार 7000, कितने साल तक 3 साल तक 7000 ही रहा है, 7000 रुपए
और आप समझो यहाँ पर आ गया कितने साल, समझते जाना है। आपने 3000 रुपए पेमेंट कर दिया 3 साल के बाद, दर हमें पता नहीं है तो दर हमने मान लिया 8%, समझना पूरी बात। 7000 रुपए उधार लिए और 3 साल के बाद आपने इसमें से 3000 रुपए निपटा दिए, तो अगर हमने 3000 रुपए निपटा दिए 3 साल के बाद, फिर आपसे क्या कह रहे हैं, 3000 रुपए आप 7000 में से जरा घटाइए, अब कितना बचा? 7000 रुपए उधार लिए थे, 3000 तो निपटा दिए 3 साल के बाद, तो अब बचा 4000। तो जो ब्याज चलेगा ना वो 7000 पे नहीं चलेगा, किस पे चलेगा? 4000, क्योंकि 3000 तो आप दे चुके हैं। फिर आपने क्या किया, 5 साल के बाद आपने जमा कर कितना दे दिया, 5450 रुपए। फिर 5 साल के बाद 5450 रुपए दे दिया, 5 साल बाद ब्याज की दर कितनी, 8%। अब बताओ यहाँ पर ये जो 4000 रुपए का ब्याज है कितने साल तक चलेगा? अरे आप 3 साल तो कंप्लीट हो गए, 5 साल के बाद नहीं है आपके, तो 5 से 3 साल तो पहले बिता चुके थे, तो बचे कितने साल? तो ये जो 4000 रुपए है यहाँ पर, इस 4000 का जो ब्याज देना है वो सिर्फ कितने साल के लिए देना है? अब शुरुआत से समझो, बिल्कुल आप मैथ नहीं पढ़ रहे, ये सोचो आपने 7000 रुपए किसी से उधार लिए, फिर 3 साल के बाद उसको 3000 दे दिए वापस, तो 7000 पे 3 साल का ही तो ब्याज लगेगा, 3000 दे दिए तो बचे कितने? बाकी पैसा आपने 5 साल के बाद निपटा दिया, 5 साल का मतलब शुरू से 3 साल कंप्लीट हो गए, तो बचे कितने साल? तो 4, जब ये 3000 रुपए जमा किए उसके 2 साल के बाद निपटाए हुए तभी तो 5 साल कंप्लीट होंगे, 3 साल कंप्लीट हो गए उसके 2 साल बाद आपने पैसा निपटा दिया, तो हम कहेंगे हमने 5 साल में निपटाए। अब 5 साल में निपटाने के लिए आपने 2 साल में कितना ब्याज दिया? 4। अब ब्याज बताओ कितना दिया है, बता सकते हो? अच्छा एक बात समझो व्यवहारिक से, 5450 और 3000, आपने 2 बार पैसा दिया ना, पैसा कितनी बार दिया, टोटल कितना पैसा दे दिया आपने, 5 और 3 8400, उधार कितना लिया था 7000, तो कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, 1450 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये 1450 रुपए कहाँ से दिया है, ब्याज का ही तो दिया है। दूसरा तरीका समझिएगा, आपका बचा था 4000, कितना बचा था और दिया कितना है 5400, कितना एक्स्ट्रा गया? अगर 4000 बचा था उधारी और हमने 5450 दिया है, तब भी हम यहाँ से निकालेंगे तो आप यही निकालेंगे कि एक्स्ट्रा पैसा कितना जा रहा है हमारा, 1450। तो ब्याज आप चाहे टोटल से निकाल लो या फिर बचा हुआ पैसा कंपेयर कर लो कि भाई 4000 रुपए मेरा बचा उधार का और मैं 5450 देके जा रहा हूँ, तो मैंने 1450 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो ब्याज कितना है 1400। अब इस सवाल को आप ऊपर वाले सवाल से कंपेयर कर लो, सेम हो गया, यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है निकल के कितना दिया है 1450, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, भाई परसेंटेज हटा दे, 2 जीरो कट जाएंगे, 70 × 3 कितना ब्याज देना पड़ा यहाँ पर, 210 × यहाँ पे भी परसेंटेज हटा दी 2 जीरो, 40 × 2 कितना होता है 80 है। टोटल ब्याज हमको सवाल में बता रखा है 1450, तो 210 प्लस 80 290 हो जाएगा, और 1450 एक जीरो यहां से कैंसिल करेंगे और 29 से 145 पूरा कटेगा 5 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी कितना है 5%।
नहीं आ रही। Thank you.
जैसे ही आए शुरू हो गए ब्याज में डिफरेंस आ रहा है और पैसा एक ही है 1500 रुपए की पहली बैंक में जमा किए होंगे और 1500 दूसरी बैंक में ब्याज में अंतर क्यों आ रहा है क्योंकि ब्याज की दर अलग अलग होगी सिंपल सी बात वो अलग अलग बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक समान हो तो ब्याज भी तो बराबर मिलेगा लेकिन यहाँ ब्याज बराबर नहीं मिला क्योंकि ब्याज में डिफरेंस कितना आ रहा है 1300 अभी तो 1500 रुपए की बात हो रही है ना 1500 रुपए में आपका 13.5 रुपए का अंतर आ रहा है लेकिन ये एक साल का नहीं कितने साल का है तो हम पता क्या करें एक साल का डिफरेंस देखते हैं तीन से डिवाइड करो एक साल का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 4.5 अगर हम 1500 रुपए की बात करें तो अलग अलग सोर्स है या दो अलग अलग बैंक है जहां से हमको ब्याज मिलना है सिंपल इंटरेस्ट की बात की तो एक साल का डिफरेंस कितना है हमें इसको परसेंट में ही तो बदलना है दर का मतलब क्या है परसेंट में बता दो पर अगर हम वार्षिक निकालेंगे तो एक साल का ही जो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो अब देखो परसेंट में कैसे बदलोगे आप कितने रुपए का है 1500 रुपए पर डिफरेंस कितना है 4.5 परसेंट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई जीरो कैंसिल हो गया तो आपका 15 का 3 बार लगेगा यानी कि ब्याज की दर में परसेंटेज में अंतर कितना है अगर रुपए में बात करें तो एक साल में 4.5 रुपए का अंतर है लेकिन परसेंट का मतलब 100 रुपए में डिफरेंस कितना बन रहा है तो 100 रुपए में डिफरेंस कितने का बन रहा है सीधे निकालो कोई ज्यादा है कोई सवाल की जरूरत नहीं
ये थोड़ा अच्छा सवाल है। तो बराबर अमाउंट दिए हैं एक ही समय पर, मतलब एक साथ एक कहीं जमा किए, एक जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था और एक जगह साथ साधारण ब्याज पर उधार दिए हैं, ये भी बताया है। पहला वाला धन दूसरे धन से 8 महीने पहले दे दिया, क्योंकि अगर हम दोनों को बराबर टाइम के बाद रिपे कराते हैं तो जिसमें ब्याज की दर ज्यादा है वहां ज्यादा पैसा मिलता ना, और जिसमें ब्याज की दर कम है वहां कम पैसा मिलता। लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक भाग से मिश्र धन यानी जो रिपेमेंट हुई है वो बराबर आई, कितने की आई, दोनों जगह से बराबर बराबर आया। कारण पता क्या है कि पहले वाले में दर जरूर ज्यादा है लेकिन पहले वाला कितने महीने पहले जमा कर लिया, 8 महीने पहले जमा कर लिया, इसीलिए इसका और उसका ब्याज मतलब जो भी पैसा है वो बराबर। थोड़ा सोचने की बात बताएंगे आप, जैसे हमने दो जगह बराबर बराबर पैसा लगाया, जब हम वापस लेने गए तो बराबर ही पैसा मिला हमको वापस, कितना मिलना है दोनों जगह से 3,800। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जगह से जो हमें ब्याज मिलना है वो भी बराबर मिल रहा है, ब्याज भी तो बराबर मिला होगा दोनों जगह से। अरे भाई आप जैसे 100 रुपये यहाँ लगा रहे हो और 100 रुपये यहाँ लगा रहे हो, वापस लेने गए यहाँ से भी 125 मिल गए और यहाँ भी 125, तो ब्याज तो दोनों जगह बराबर मिला होगा, 25 रुपये पहले के इसमें भी 25 होगा। तो जब भी आपको बता दें प्रिंसिपल और अमाउंट यानी मूलधन मिश्रधन बराबर है दो केस में, तो समझ लेना सिंपल इंटर, अगर आपसे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन सेम हो, मिश्रधन यानी कि अमाउंट ब्याज जोड़ने के बाद भी सेम, तो इसका सीधा सा एक रिजल्ट ये है कि इसका मतलब दोनों केस का सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा बराबर। बात समझ गए, मूलधन और मिश्रधन दोनों केस में बराबर है तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी दोनों केस में बराबर ही मिला होगा, क्योंकि हम जितना रुपया यहाँ लगा रहे दूसरी जगह भी उतना ही लगा रहे, वापस लेने गए तब भी बराबर ही मिला, तो बढ़ोतरी बराबर हुई तो ब्याज भी बराबर मिला होगा दोनों केस में। अब सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट भाई हमारा तीन चीजों पे डिपेंड करता है, पी इंटू आर इंटू पी, है ना। अब आप मुझे ये बताइए प्रिंसिपल तो सेम है दोनों केस में, प्रिंसिपल तो सेम है, हटा दो इस बात को, इसका मतलब अब जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो आर इंटू पी पर डिपेंड करता है। तो मतलब वो तो जब कभी भी दो चीजों का मल्टीप्लाई फिक्स हो जाता है, प्रिंसिपल तो पहले से ही सेम है, अब ये बोल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट भी सेम है यानी कि दोनों जगह से सिंपल इंटरेस्ट फिक्स है बराबर मिल रहा है। तो जब दो चीजों का मल्टीप्लाई फिक्स हो जाता है तो हमेशा मैंने कहा ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे यानी कि व्युत्क्रम होगा, परसेंटेज पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि मैथ्स में आपको बहुत जगह ये चीज देखने को मिलेगी दो चीजों का मल्टीप्लाई फिक्स है। अब इस सवाल को आप ऐसे रीड करो जब भी आपके सामने सवाल आ जाए तो आपको दिमाग में लगता है कि यही कॉन्सेप्ट बना, वैसे आप बहुत अच्छा बना। आर और टी ना एक दूसरे के बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती है, रेट आप बताइए एक जगह 9% था और दूसरी जगह कितना था, तो इसका मतलब जो टाइम है लगाया होगा वो जस्ट उल्टा होगा इस रेशियो का, 7:9 टाइम तो हमें इसका उल्टा चाहिए। अब इनमें जो टाइम का डिफरेंस है दोनों के बीच में वो दे रखा होगा कहीं पर, कितने महीने पहले, तो 8 महीने का डिफरेंस है दोनों में, इसको 8 महीने पहले जमा करा दिया, यहाँ पर आप देखिए कितना आ रहा है 2 ही महीने और 2 की वैल्यू कितने महीने हो गए, 8, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 महीने। आप टाइम बता सकते हैं दोनों केस में किसी भी तरीके से, टाइम तो आ ही जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं हमें यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है तो आपको 4 से ही को मल्टीप्लाई करना है, 9 × 4 यानी कि यहाँ पर जो हमने समय लिया है वो कितने महीने का, 36 महीने के बाद हमने ये वाला पैसा जमा कर दिया, ये वाला हमारा 8 महीने पहले आ जाएगा, क्योंकि 7 की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पर, अब 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 को मल्टीप्लाई 4 से करिए, तो अब आप देखो समझ पाए होंगे दोनों का टाइम पीरियड बता लगे, पहला वाला पैसा 9% के रेट से 28 महीने के लिए जमा किया था, दूसरा वाला 7% के रेट से 36 महीने, दोनों जगह से हमें बराबर अमाउंट मिल रहा है, मिश्रधन दोनों जगह से बराबर मिल रहा है, कितना मिल रहा है 3840, दोनों जगह से बराबर मिल रहा है। आपसे कह रहा है वो धनराशि बताइए जो आपने दोनों जगह लगाई है पैसा, यहाँ पे भी आपको बताएंगे देखो दो चीजें पूछता है, जैसे यहाँ पर दो बराबर धनराशि लगे तो आपसे कहा धनराशि क्या यानी कि जो धनराशि आपने लगाई होगी, अलग अलग कभी कहते थे कुल धनराशि बताइए, कुल धनराशि तो दो जगह लगाएंगे दोनों में टोटल, लेकिन जनरली यही पूछता है प्रत्येक हिस्से में लगाई गई धनराशि बताइए, मतलब एक ही हिस्से की बात कर रहा हूँ, दो जगह बराबर पैसा लगा रहे तो एक ही हिस्सा पूछेगा। तो अब आपको टाइम पता लग गया, दर पता लग गई, अच्छा 36 महीने का टाइम थोड़ा आसान कर ले कितना हो जाएगा, 3 साल
तो यहाँ पर दूसरे वाले केस में ये पहला वाला केस है और ये दूसरा वाला केस है, कितना 3 साल में 7% की दर से आपको पैसा मिलना है, कितना 3840। ये मिसल रहा है, ध्यान रखना, और ब्याज बताओ कितना मिलेगा, आप चाहे तो चेक कर लो, ब्याज बराबर ही मिलेगा। देखिए 7 × 3 7% के हिसाब से 3 साल का जरा सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, कितना परसेंट होगा, इधर देखो रेट क्या है, 9%। टाइम कितना है, 28 महीने, वर्ष बनाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, 3 × 3 = 12, अब बताओ कितने परसेंट आया, 7 और 3 का मल्टीप्लाई, तो रेट आप कहीं से भी निकालो इंटरेस्ट 21% यहां भी आएगा, इंटरेस्ट 21% यहां, बस मैंने लिख दिया, इसकी जरूरत भी नहीं, ये 28 मैंने क्यों निकाला, हमसे पूछा थोड़ा है कि कितने टाइम के लिए लगाया, हमें केवल इंटरेस्ट देखना कितना परसेंट है, 21% अगर ब्याज दिया है आपको तो वापस कितना किया होगा, अरे 100% तो तुम्हारा पैसा भी था, 21% ब्याज मिल गया तो वापस कितना आया होगा, और यही 121% आपको दे रखा है 3840। कर ले सॉल्व, कटेगा पूरा पूरा 12 का 3 बार कटेगा, सरल हो गया। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये 4840 पाई है, मैं गलत देख लिया, कोई बात नहीं, तरीका सही है तो डेटा गलत हो सकता है, 4840 का, तो ये इसका 4 गुना हो गया ना, 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी, अब 40, 1% कितना आ गया 40, आपको पूरा डिवाइड हो गया 12 का 4 गुना 48, 1000 गुना 4, आपसे पूछ रहा है कि आपने वो धनराशि बताओ जो लगाई थी यहाँ पर, तो 100% यानी निकालना है प्रिंसिपल, तो 1% 40 रुपये होगा, तो 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा 4000। बात समझ पा रहे हो, इतना काम केवल आपको सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ो और समझो, जब ऐसा बोलते किसी सवाल में कि भाई प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों सेम है दोनों के, तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी बराबर मेरा दोनों जगह, इंटरेस्ट बराबर है तो आर और पी जो होंगे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, जो रेशियो रेट ऑफ इंटरेस्ट का होगा उसका उल्टा टाइम का होगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करके तो ब्याज आएगा, अगर आप इसका जस्ट उल्टा नहीं रखेंगे तो ये ब्याज इक्वल कभी आ ही नहीं सकता, तो ब्याज इक्वल लाने के लिए हमने इसका रेशियो बढ़ा दिया, 9 और 7 का रेशियो था इसको बढ़ा दिया 7, इतना कम है 2 यूनिट का लगता है, सवाल में कह दिया 8 महीने पहले हमने ये पैसा निकाल दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 महीने आ गई, इसका मतलब पहले केस में हमने इन्वेस्ट किया 28 महीने के लिए और दूसरे केस में कितने महीने के लिए 36 महीने का, मतलब कितने साल, तो 7% के हिसाब से 3 साल का ब्याज बढ़ गया 21%, तो हमें वापस जो मिश्रधन मिलेगा वो मिलेगा 121% जिसकी वैल्यू हमें 4000 काटनी, तो 100% कितना आ गया, तो आपसे मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन कितना हो गया 4000। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि जिस व्यक्ति ने भी ये निवेश किया कुल निवेश कितना किया उसने, ये तो पता ना कि दोनों जगह जो उसने धनराशि लगाई वो कितने रुपए लगाई, निवेश कितना हुआ, 2 जगह 4000 रुपए लगाएंगे तो कितना लगा दिया 4000 रुपए, 4000 8000 हो गया, इन्वेस्टमेंट पूछा जाए कुल निवेश कितना है तो आपको आंसर 8000 लगाना है, ध्यान रखना, ये तो यहां भी देखो धनराशि तो बराबर ही है, 5% और 4% के हिसाब से 2 जगह लगा दिए, और फिर 4 साल के बाद वापस लेने गए तो कितने रुपए ब्याज के मिले 4900। अच्छा आप बताइए कि जैसे आप ये मान लो 2 जगह पैसा लगाया और कुछ भी लगाया, 5% के हिसाब से यहाँ लगाया पैसा और उतना ही पैसा 4% के हिसाब से दूसरी जगह, तो आप बताइए कि जब पैसा बराबर है तो उसका 1% भी तो बराबर ही रहेगा, पैसा तो बराबर ही, जितना यहाँ लगाया उतना ही, तो 1% की वैल्यू दोनों केस में सेम होगी, तो क्यों ना अगर हम दोनों को मिला दें तो बात बन जाए 5 + 4 यानी कि दोनों जगह से जो कलेक्शन आएगा वो कितना आएगा 5% यहाँ मिलेगा ब्याज 4% यहाँ मिलेगा, तो टोटल कितना मिला, कितने साल 4 साल, तो 9% × 4 साल यानी कि टोटल इंटरेस्ट जो मिला है वो हमको कितने परसेंट मिला, 36%। जो पैसा हम 2 जगह अलग अलग बराबर बराबर लगा रहे हैं ना, ये बराबर पैसा हमने 2 जगह लगाया है, पहली जगह लगाया और दूसरी जगह फिर से उतना ही पैसा लगाया, लेकिन अगर पैसा बराबर है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितना इसका 1% आएगा उतना ही इसका 1% आएगा, तो 5% यहां से मिला 4% यहां से मिला, हमने इसको एक साथ पढ़ लिया, 5 + 4 हमको कितना मिल रहा है, बराबर पैसा, तभी ऐसा सोचना, वरना सोचना, तो 9% के हिसाब से 4 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा
ये हमारा टोटल इंटरेस्ट है, और सवाल में कह रहे हैं हमको कितना मिला है, 4,900। तो 4,950 रुपए इसके बराबर लिख सकते हैं। अब आप सॉल्व करके देखो, 9 चक का 4 बार, 9 का यहाँ 5 बार 45, 9 का 5 बार 0 आ जाएगा, और अगर 2 का 9 बार सीधे सीधे 1% लिख, 1% की वैल्यू हम सीधे लिख दे रहे हैं, 550 पर डिवाइड हो जाएगा किसे, 4, ये 1% की वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि धनराशि बताओ जो आप यहाँ लगा रहे हो, तो मैंने कहा प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100%। 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 550 पर डिवाइड करता है किससे, 4 से। तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 25 आ जाएगा, 25 × 5 = 125, 12 रह जाएगा, 125 × 12 = 137। यानी कि आपने जो पैसा लगाया है ये दो जगह, दोनों जगह 13,750, ये एक जगह का हिस्सा है। अगर आपसे पूछे कुल कितना निवेश किया उसने, तो दो बार आपने निवेश किया तो डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे धनराशि कितनी आपने लगाई थी वहां पर, तो आपका आंसर सीधे 100% है, यानी कि 13,750 यहाँ लगाए और 13,750 धनराशि वाली कितनी आ गई, 13,750। ये तो बहुत सरल सवाल है, 12% के हिसाब से आपने कहीं से उधार लिया, कोई भी सोर्स मान लो आपने बैंक से लिया है, कहीं से लिया, पैसा कितना लिया ये नहीं बताया, बस उधार लिया। फिर आपने क्या किया, प्रॉफिट के लिए 15% के हिसाब से किसी को दे दिया, तो प्रॉफिट तो हो गए, आपको मिला किस परसेंट से, 12%। और फिर आपने क्या किया, उस पैसे को दूसरे के पास पहुंचा दिया, अपने पास नहीं रखा, 12% के हिसाब से आपको मिला और दे दिया 15%। तो जो जिस व्यक्ति को आपने दिया है वो आपको ब्याज देगा कितने परसेंट, 15% ब्याज देता है इसको, और जिससे आपने लिया उसको ब्याज दिया कितना, 12% ब्याज। तो जाहिर सी बात है कि मैं ब्याज दे तो 12% हूं, पैसा तो मेरे पास नहीं है ना, पैसा मैंने लिया और मैंने किसी और को दे दिया, तो पैसा तो मेरे पास बचा है, बस ये कि मुझे 12% ब्याज देना पड़ रहा है उस पैसे का, और मुझे उसी पैसे का बिल कितना रह गया। तो अगर मैं 12% ब्याज दूंगा और 15% किसी से उसके बदले में ले रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितने परसेंट, यानी एक साल में मुझे 3% एक्स्ट्रा मिलेगा उस पैसे का, मेरे पास से कुछ गया नहीं, मेरे जो भी कुछ रहा वो वहीं पर मैंने लिया किसी से पैसा और किसी और को दे दिया, 12% ब्याज दे दिया तो 15% की तरफ से दे दिया, तो मुझे कितना फायदा हुआ, अब 3% एक साल का फायदा है, लेकिन यहाँ कितने साल की बात होगी, तो आपका जो प्रॉफिट हो रहा है लाभ 3% एक साल में, 4 साल में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12% आपका कुल लाभ 4 साल में बन जाएगा कितने परसेंट, आपको बता दिया इन्होंने कितना फायदा दिया है, 4 साल का टोटल फायदा कितना है, 900। तो 12% की वैल्यू 960, 1% कितना आ जाएगा, 1% कितना आ गया, 80। तो अगर आपसे पूछे पैसा कितना आपने उधार लिया था, तो 100% निकालो, प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए 100% ही तो निकालेंगे, 1% की वैल्यू अगर 80 रुपए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% कितना देगा, 8,000। तो आपने जहां से भी उधार लिया वो 8,000 रुपए।
क्वेश्चन है, बस ये भी दो हैं उसके बाद हम कैसे करोगे बेसिक उसे बनाने में। तो बहुत पहला वाला सवाल तो चलो बेसिक से तब भी थोड़ा बहुत आसानी से कर सकते हो, 7800 रुपये 16% के हिसाब से लिए ना, फिर उसने क्या कि थोड़ा पैसा अपने पास से मिला दिया उसने, और फिर कहते हैं 19% की दर से दे दिया किसी को, उसने फायदा बनाया 4 साल में कितने रुपये का, 1600 रुपये, 4 साल का प्रॉफिट 1600 रुपये क्या था, कितना रुपया मिलाया, बस ये बताना चाह रहे हैं। हाँ ये बताओ कि उसने कितना रुपया अपने पास से मिलाया, अब आप समझ कितना रुपया लेके आया था ये, फिर इसने किसी और को जब दिया पैसा तो इसने 7800 नहीं दिया, थोड़ा मिला दिया इसे, ठीक है, कुछ पैसा और मिला दिया। अब आप समझो 16% के हिसाब से तो लेके आया, और जब दिया तो कितने परसेंट के हिसाब से, तो देखो भाई जरा समझो बात को, ये फायदा कमाएगा कुल कितने परसेंट, लेकिन सिर्फ 7800 रुपये जो लेके आया उस पर फायदा इसका 3% है, जो अपने पास से मिलाया है, अगर मैं अपने पास से किसी को पैसा देता हूँ तो मेरा पैसा है, मैंने किसी को देना तो है नहीं, उस पर आपको जो फायदा मिलेगा, तो ध्यान से समझो जो 3% प्रॉफिट होगा वो सिर्फ कितने पे होगा, क्योंकि इस 7800 में मुझे 16% देना पड़ेगा, जो लेके आया था उसका तो 16% देना पड़ेगा, मिलेगा कितने परसेंट, 19% की देखे 16% तो मेरा चला गया, तो मुझे फायदा कितने परसेंट मिला, बाकी जो पैसा आपने यहाँ पर मिलाया इस पैसे पे पूरा फायदा आपका, ये पूरा अधिकार आपका है, क्योंकि ये पैसा तो आपका, आपको किसी को देना ही नहीं था, इसका कोई भी पार्ट इसमें से किसी को नहीं देना, 19% पे दिया है तो 19% मेरा ही है फायदा, तो यहां से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा ये मिलेगा 19%, कितने परसेंट का मिलेगा, तो आपको दो टुकड़ों में मैंने बता दी बात, प्रॉफिट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, एक तो जो पैसा जिससे उधार लाए हो वो देखो 7800 लाएंगे ना, इस 7800 पे ब्याज आपको मिल 1900% रहा है और जाके खा रहा है, तो सिर्फ इस 7800 पे फायदा कितना होगा, जो पैसा आपने लगाया अपने पास से उस पे आपको पूरा पूरा अधिकार है, 19% का 19% फायदा किसका है, और ये जो टोटल फायदा है ना ये आपको बता दिया कितने के बराबर, 16% से 2 जीरो काट दे, अभी भी गड़बड़ कर गया, ये तो 1 साल का ही है, हमें कितने साल का निकालना है, चलो ये यहां करते हैं, ये हमारा 1 साल का प्रॉफिट है और हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, 4 साल, 4 साल का निकालने के लिए 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा, जरा इसको कैलकुलेट कर लेते, 4 से मल्टीप्लाई करना, 7800 × 3% का मतलब डिवाइड 100 मल्टीप्लाई किससे होगा, प्लस यहाँ पर भी x × 19 × 4 और डिवाइड किससे होगा, ये जो टोटल प्रॉफिट है ना ये कुल कितने के बराबर है, 1600 के, अब आप सॉल्व कर सकते हैं कितना है, इनको क्या 4 × 3 = 12, 12 × 8 कितना होगा 86, 12 × 7 = 84, 84 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो ये होता है, यानी कि 936 रुपये को यहाँ से फायदा मिल रहा है, प्लस को आपको ऐसा ही रहने दीजिए, इससे ये वाला कट सकता है कितने बार में 25 बार, यहाँ से आ रहा है 19x/25, अभी मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा, पहले आप इतना समझ, अब डायरेक्ट में है क्या, देखो सिर्फ इतनी बात है कि अगर आप ये बात ऐसे ही समझ लेते तो ये लाइनें नहीं बनानी पड़ती, आपको ये पता है कि जो 7800 रुपये है ना, आपने 7800 रुपये जो भी किसी से उधार लिए उस पर सिर्फ 3% का अधिकार है आपका, 16% तो किसी और को दे, 19% मिलेगा जरूर लेकिन 16% देना भी दो तो सिर्फ 3% मिलेगा, तो 4 साल में कितने परसेंट हो जाएगा, 12%, जब आप 12% निकालेंगे तो यही से ये चीज खत्म हो जाएगी कि 936 रुपये फायदा मिला है, लेकिन सवाल आपसे कह रहा है आपका फायदा है कितने रुपये, 1601 में से जरा 936 घटा दो, 11 - 3 कितना होगा 5, यहाँ बचेगा हमारे पास कितना 9 में से 3 घटाना है 6, और यहाँ बचेगा 15 में से 9 घटाए 6, आपको 665 रुपये और फायदा हुआ, ये तो मतलब हुआ, मतलब
कितने साल की बात होगी? चार साल के लिए हम चार से क्या करते हैं? लेते रहे। एक साल में 19% का फायदा हो रहा है, तो चार साल में कितने परसेंट का फायदा होगा? 76%। तो जो पैसा आपने अपने पास से लगाया उसका 76% चार साल के लिए निवेश कर रहे हो, तो एक साल में अगर 19% फायदा मिलेगा किसी पैसे का साधारण ब्याज में, तो चार साल में 76% मिलेगा। और वही सारी स्टेप मैंने लिख के कर दी। पहले मैंने निकाला एक साल का प्रॉफिट भाई 7800 में मिलेगा 3%, और जो पैसा तुमने लगाया उस पर पूरा 19%। चार साल का निकालने के लिए चार से क्या कर दिया? अब ये चार साल का प्रॉफिट हमको कितना देता है? अब करना तो यही है, ये 936 इधर 1601 में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 19x अपॉन 25 की जो वैल्यू है, 1601 में से 936 घटाया कितना आया? 665। बटेगा क्या ये? 19 का 3 बार 57 बचेगा 9, 19 का 5 बार। देख लो भाई 35 और 25 का मल्टीप्लाई कितना, 25 × 5 125, 25 × 3 75 और 12 हो जाएगा 87। यानी आपने अपने पास से जो रुपया लगाया उससे कितना लगाया? 875 रुपए आपने अपनी जेब से लगाए। 7800 रुपए किसी से लेके आए, 875 रुपए आपने अपनी जेब से लगाए। 11000 रुपए को 200 में बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो दे रखा है ना कि 4% और 5% दो जगह तो लगा दे। 4% की दर से जो पैसा लगाया वहां से भी कुछ ब्याज मिलेगा, 5% की दर से लगाया वहां से भी ब्याज मिलेगा। तो 4% वाला ब्याज 5% वाले ब्याज से कितना ज्यादा होना चाहिए? 80 हो गए। चलो 11000 इसको दो पार्ट में तोड़ना है, एक जगह 4% और दूसरी जगह 5%। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि किधर ब्याज जाता है? 4% वाले पे ब्याज जाता है, बाकी तो ब्याज बराबर ही रहेगा। इससे ब्याज कितने रुपए एक्स्ट्रा है? 80 रुपए ब्याज ज्यादा मिल रहा है। अब देखो एक बात सुनो, अभी पहले मैं समझाऊंगा, जितने रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है पहले वो पैसा हटा दो। यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्याज कितना रुपया है? 80 रुपया आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। जितना 5% से ब्याज मिल रहा है उसकी तुलना में 4% पे 80 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, यही तो कहा है। तो आप ये बताइए कि 80 रुपए अगर 4% की ब्याज दर है तो 80 रुपए कितने रुपए का ब्याज बनेगा? 4% की वैल्यू आपको पता है 80 रुपए, तो 1% कितना हो जाएगा? 20। और अगर मैं कहूं ये पैसा कितना रुपया था, 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो इस बात को अगर आपने समझ लिया तो ये सवाल ये समझ लो कि ये जो 80 रुपए ब्याज मिल रहा है एक्स्ट्रा वाला 4% की दर से, तो 4% 80 रुपए होगा, तो जो पैसा होना चाहिए कितना होना चाहिए? तो टोटल पैसा कितना था? 11000। टोटल पैसा कितना था? 11000 में से 2000 रुपए माइनस कर दो, बचे कितने? जितना ब्याज एक्स्ट्रा था वो पैसा अलग हटा दिया। अब जो बचा हुआ 9000 है ना, इसको इस हिसाब से बांट दो कि दोनों पे ब्याज बराबर है, जितना ब्याज इधर है उतना ही ब्याज। अगर बाकी बचे हुए पैसे के ब्याज बराबर मिल रहा है तो इसको एक्स्ट्रा चाहिए थे 80 रुपए, तो वो पैसा मैंने अलग साइड कर दिया। कितने रुपए भाई? 80 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, किस दर से? 4%। तो 4% की दर से अगर 80 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए तो 2000 रुपए अपने अलग रखो, इनका ब्याज ही 80 रुपए है। अब बचे हुए 9000 इनको आप इस तरीके से बांट दीजिए कि दोनों का ब्याज बराबर हो जाए, पहला और दूसरा दोनों का। पहले पे ब्याज कितने परसेंट? 4%, और दूसरे पे कितना है? 5%। अगर मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो मेरा जो पैसा होगा वो इस रेशियो में होना चाहिए, भाई परसेंट से परसेंट कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 5:5। मुझे 5:4 के अनुपात में इस पैसे को डिवाइड कर देना दोनों से, करें 5 और 4 कितना होता है? और 9 की वैल्यू तो 9000 के रखिए, टोटल पैसा कितना है यहाँ भाई? ये 9000 ही तो बचा है। अगर टोटल पैसा 9000 है तो इसका मतलब 5 की वैल्यू 5000 होगी और 4 की वैल्यू, तो इसका सीधा सा मतलब ये कि पहले वाले हिस्से में 5000 रुपए और दूसरे वाले में 4000 रुपए लगाएंगे तो ब्याज बराबर आएगा। चेक करें, 5000 रुपए का 4% निकालो, 200 रुपए आएगा। 5000 रुपए का अगर 4% निकालेंगे कितना आएगा? 200 रुपए आएगा। 5000 रुपए का 1% कितना हुआ? 50। तो 4% कितना हुआ? अब 4000 रुपए अगर 5% पे लगाएंगे तो भी ब्याज 200 ही आएगा। 4000 रुपए का 5% कितना आएगा? दोनों पे ब्याज बराबर है, तो बचे हुए देखो 5 + 4 कितना हुआ?
9000 ब्याज किधर ज्यादा चाहिए था 4% की तरफ, तो ये वाले जो 2000 रुपए हैं ये इधर ही जोड़ दो। इसका मतलब 4% की दर से हमने पैसा लगाया 7000 रुपए और 5% की दर से कितना लगाया 4000 रुपए। बात मेरी समझिए, अभी 4000 और 5000 का तो ब्याज आपस में बराबर है, लेकिन अगर वो 2000 रुपए जो बचे हुए हैं मैं इधर लगा दूंगा तो इस 2000 रुपए का जो ब्याज बनेगा वो कितना आएगा, तो 80 रुपए इधर एक्स्ट्रा ब्याज आएगा और इधर हमारा 80 रुपए कम है। आप इधर निकालेंगे तो उतना ही रहा ब्याज 200 रुपए, लेकिन 7000 का 5% निकालेंगे, सॉरी 7000 का 4% निकालेंगे तो 280 हो जाएगा, तो 80 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे नहीं आएंगे। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, सबसे पहले ये क्लियर करो किसका ब्याज जाता है, ऐसे जितने 4% की दर पे ब्याज ज्यादा मिल रहा है कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 5% वाले हिस्से से कितने रुपए ज्यादा है, तो 4% की दर वाले में अगर 80 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज चाहिए तो पैसा रिजर्व करना होगा कितना, क्योंकि 4% की वैल्यू 80 होगी तो वो पैसा होना चाहिए कितने रुपए, तो 2000 रुपए हमने इसमें से रिजर्व कर लिए, बचे कितने, अब 9000 को इस तरीके से बांट दो बराबर बराबर ब्याज रहे तो दो हिस्सों में बांटना है लेकिन ब्याज बराबर ही होना चाहिए, तो पहले हिस्से पे ब्याज कितना मिल रहा है 4% और दूसरे हिस्से पे, तो पहले हिस्से का 4% और दूसरे का 5% बराबर रखेंगे तो पैसा आएगा 5000 एक तरफ और दूसरी तरफ कितना आएगा, जो 2000 रुपए एक्स्ट्रा इधर रख लेते ना 4% पे, तो इधर जोड़ दिए 2000 रुपए, इधर 7000 हो गया, इधर कितना हो गया 5000। अब इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता भाई, फिर आप इक्वेशन बना के कर, ठीक है।
इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ ये डिफरेंस मान लो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होता है वह एक टर्म होती है। कंपाउंड का मतलब होता है संयोजित करना, मतलब जो इंटरेस्ट है उसको प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाता है। अब टर्म एक साल की भी हो सकती है, जनरली ये होता है कि अगर आप जैसे दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछते हैं तो हर साल में जितना ब्याज होगा उसको आप क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज जो भी आप लिखेंगे तो उसमें आपका ऐड होता रहेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर कितने रुपये लिए, हम 3500 रुपये लिए और दर आपने बताइए कितने, 5% वार्षिक दर। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज या तो आप समझ लो, अगर आपने समझ लिया पूरा हिसाब किताब चक्रवृद्धि ब्याज का, सवाल कोई भी आप कराओ, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से, आपको उधार दिए ब्याज की दर कितने परसेंट लगाई गई, 5%। तो एक साल का ब्याज पहले क्लियर करो, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड तो तब होगा जब एक बार ब्याज मिलेगा, ब्याज को मूलधन में जोड़ना मैंने मान लिया, लेकिन ब्याज अभी पहले स्टार्टिंग में थोड़ा ना मिल जाएगा, एक साल के बाद ब्याज मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर 5% निकालते हैं, 3500 रुपये का 5% कितना आएगा, 10% निकाल लेते हैं, आप जरा समझो 10% निकालना सबसे आसान होता है, 10% होता है 1/10, 10 से भाग कर लोगे तो 10 कट जाएगा। तो अगर आप 3500 का 10% निकालेंगे तो 10 कम हो जाएगा, कितना देखो दूसरा भाग। अगर आपको 5% निकालना है तो आधा ही तो करना है 10% का, 320 का आधा कितना हो जाएगा, एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ परसेंट से 20 काट दो, अगर मैं परसेंट से 20 काटेंगे तो 32 को केवल 5 से गुणा करो आ जाएगा, 32 और 5 का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपका जो पहले साल का इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 160। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जब दूसरे साल आप ब्याज लेंगे, साधारण ब्याज होता तो सिर्फ 3200 का ब्याज लेते रहते हर साल 160 160 160 आता है, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो अभी कंपाउंड हो गया। कंपाउंड का मतलब ये 160 और 3200 मिलकर पूरा एक बन गया, मिश्रधन के ब्याज मिलेगा। अब आपको जो नेक्स्ट आगे का जो ब्याज मिलेगा ना वो 3200 पे नहीं मिलेगा, आपको पूरे में मिलेगा 3360। अब 3360 का ब्याज देना पड़ेगा, फिर कुछ आएगा ब्याज उसको भी जोड़ लेंगे, बढ़ता चला जाएगा हर बार। तो इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज में हर टर्म के बाद ब्याज एक्स्ट्रा आता है। चलिए निकालते हैं। अब आप देखिए यहाँ से जब आगे कैलकुलेट करेंगे, दो साल का तो दो ही बार तो कंपाउंड होगा, दूसरे साल हमने 5% तो इसका ही ब्याज लेना है, तो 3200 का 5% कितना आएगा, अरे अभी तो निकाले दोबारा थोड़े ना निकालोगे, 160 आएगा। लेकिन ये मत बोलना कि जितना ब्याज पिछले साल मिला है उस ब्याज का ब्याज भी मिलेगा, दर वही है कितने परसेंट। तो अगर आप 160 का 5% निकालेंगे तो सिर्फ कितने रुपए एक्स्ट्रा आएंगे, ये 8 रुपए एक्स्ट्रा आने का कारण ही चक्रवृद्धि ब्याज, वरना 160 160 तो हर साल आते रहते, वो साधारण ब्याज। अब ये हर साल बढ़ता चला जाएगा, अगले साल हो सकता है 8.5 रुपए एक्स्ट्रा आए, 8.5 रुपए एक्स्ट्रा आए, इस तरीके से चलेगा। तो टोटल कितना हुआ, 160 और 160 कितना हुआ, 8 रुपए एक्स्ट्रा वाले भी जोड़ दिए तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, 328। अब वो चीजें समझोगे आप, ये तो पहली लाइन में आपका ये जो डेटा चल रहा है ना, ये पहली लाइन वाला डेटा हमेशा सिंपल इंटरेस्ट का डेटा होता है। तो अगर मैं इसको भूल जाऊं तो जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ब्याज का, ब्याज यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस होगा, CISI में डिफरेंस होता है, तो इस पहली लाइन को छोड़कर इधर वाला जितना भी आएगा वो CISI में डिफरेंस होगा। तो ये जो 8 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं ये क्या है, डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, CI का, चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा साधारण ब्याज। आपसे अलग अलग तरीके से सवाल पूछना कि इसके दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितने रुपए ज्यादा होगा, अंतर कितने रुपए होगा, तो डिफरेंस भी इसमें निकाल सकते हो। अब नोट करना, दो बार कंपाउंड करने में हमने क्या नोट किया, जो प्रिंसिपल हमने उधार लिया था पैसा उसका ब्याज दो बार जोड़ा है, आप बताइए कितनी बार ब्याज जोड़ा है, इस 3200 का ब्याज एक बार दो ही बार तो जोड़ा, जितने बार कंपाउंड करोगे उतनी बार ब्याज जोड़ेगा। फिर इस ब्याज का ब्याज सिर्फ कितनी बार आ रहा है, एक ही बार तो आ रहा है, मतलब 160 रुपए का ब्याज यहाँ एक ही बार तो लिखना है, एक बार हमको ये जोड़ा है। अब ये टाइम पर चलने वाली तीन कहां तक बनाते रहोगे, चार चार बार कंपाउंड करा लेते हैं, चार बार कंपाउंड करेंगे तो ये बनाते बनाते हो जाओगे परेशान, घूम जाओगे। 3200 रुपए आपने उधार, अब देखो 5% की तो निकालना है, अब जैसे भी आप निकालो, पहले 3200 का 5% निकालेंगे तो 160 आएगा, फिर 160 का 5% निकालेंगे अगले स्टेप में 8 रुपए आएगा, तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, ये दो बार जोड़ो तो कितना हो जाएगा, दो बार जोड़ने का मतलब दो से मल्टीप्लाई करो,
इसको एक ही बार जोड़ना है आगे, कुल कितना रुपया ब्याज हो गया इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इसमें लाइनें खींचोगे तो दो साल तक तो बहुत आसान लगेगा, जब तीन और चार साल में पहुंचोगे तो तुम लाइनें खींचते खींचते एक दो स्टेप भूलोगे तो उत्तर लगता है, लेकिन यहाँ कभी भूलोगे नहीं, जो भी इंटरेस्ट आएगा इसके आगे तीन साल में एक बार और कैलकुलेट करते, चार साल में उसकी एक बार और कैलकुलेट करते, ये रेशियो में बता दूंगा कितनी कितनी बार आगे। अभी मेथड की बात कर रहे हैं केवल, सवाल ये कर रहे हैं केवल, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा आप बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम करता है जिस तरीके से हमने पॉपुलेशन वाले सवाल किए थे, जनसंख्या बढ़ गई हर साल 10% बढ़ गई, ब्याज भी कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ये भी कंपाउंडेड होता है, वर्तमान में जितना पैसा उस पर ब्याज मिलेगा, पहले कितना उधार लिया इससे कोई मतलब नहीं, तो आपने कितना उधार लिया था 3500, कितनी रेट है 5%, बता सकते 5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/2, अब 2 साल के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा इस पर निकालने के लिए आपको 1/20 इसमें कितनी बार ऐड करना है, 2 बार रेशियो ले लो या फिर आप परसेंटेज में रख लो, 1/20 जरा जोड़िए एक बार कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 21, जब आप 1/20 भाग किसी संख्या में जोड़ते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 होता है, 2 बार अगर आपको ऐड करना है तो 2 बार मल्टीप्लाई करिए 21/20, जो भी आएगा ये ब्याज नहीं आएगा भाई, अगर मूलधन में आप 5% जोड़ देंगे तो वो ब्याज ऐड हो गया, पर ब्याज ऐड करते हैं तो अमाउंट आता है निकल के ना कि ब्याज, तो ये जो फॉर्मूला पढ़ा आपने बचपन में ए बराबर पी 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर में लिखा होता है क्या, इससे केवल और केवल आप अमाउंट निकाल पाए, फिर माइनस करके ब्याज निकालोगे, अब अगर मैं यहां से निकालूंगा तो ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 से इसको काट दो कितना बार, अब देखिए 21 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 400, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 का एक बार 8 × 4 32, 3 × 3 = 35, 3528 हो गया। अब आपको अगर यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि 3528 रुपए रिटर्न है और जबकि दिया कितना था 3200 रुपए प्रिंसिपल था, 3528 वापस मिला है तो फायदा कितना मिला, जितना भी माइनस करके आएगा वही तो ब्याज है फायदा है, फायदा कितने का आ रहा है, अब इसमें क्या बता पाओगे पहले साल का कितना ब्याज है और दूसरे साल का कितना है, नहीं बता सकते, क्या आप बता पाओगे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है, लेकिन इसमें बता दोगे, इसमें आप बता सकते हो पहले साल का ब्याज कितने रुपए, दूसरे साल का 8 रुपए ज्यादा है 100, पहले साल आपको 160 रुपए मिल रहा है और जबकि दूसरे साल मिल रहा है 100, ऐसे तीसरे साल का अलग बता सकते हो, चौथे साल का अलग बता सकते हो, तो अब ये वाला जो तरीका है जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ याद रखना कि ये तभी आप लगा सकते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो हर साल के लिए, अलग अलग ब्याज दर होगी तो आप इस रेशियो वाले तरीके को नहीं लगा सकते, ध्यान रखें ना इस बात को, अगर जैसे अलग अलग दर हो एक साल 5% दूसरे साल 10% मिला तो ये तरीका बेकार है, इससे नहीं कर सकते आप, इससे कर सकते हो या फिर उससे कर सकते हो। लास्ट बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है कि रेशियो से कर लेंगे, रेशियो से सवाल ठीक है जरूरत हो तब करो, नहीं जरूरत है बिल्कुल मत उठो, कितना है ब्याज की दर 1/20 ठीक है, तो 20 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 साल का ब्याज अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 20 और 20 का मल्टीप्लाई कितना होता है, बेचारे बोला कैसे 20 और 20 = 40 होता है, 20 और 20 का मल्टीप्लाई 441, 400 से कितना हो गया 400, ये मूलधन है और ये क्या है विश्वधन है, तो ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पर क्या बता सकते हैं, अगर ब्याज की बात करें तो 41, इसका मतलब ये हुआ कि 5% की दर अगर आप रखेंगे तो 400 रुपए पर जो ब्याज मिलेगा वो कितने रुपए का मिलेगा 41 रुपए, लेकिन आपका तो 400 रुपए है ही कहाँ, आप तो कह रहे हैं कि हमने उधार कितना लिया है 3200 रुपए और 3200 रुपए 400 का कितने गुना है, अरे देख के पता लग रहा है कितने गुना है, तो ब्याज भी 8 गुना होना चाहिए भाई, पैसा अगर डबल लगाओगे तो डबल ब्याज, तो यहाँ 8 गुना पैसा है तो ब्याज भी 8 गुना कर दो, 41 को जरा 8 से गुना करिए 8 × 32 = 8, यानी कि अगर 8 गुना करेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, अलग अलग तरीके, अब देखो मैं आपको बताऊँ क्या क्या चीजें कहाँ पर रखती है, अगर कभी किसी सवाल में आपको अमाउंट दे दे, अमाउंट का मतलब मिश्रधन दे दे तो आप यही लगाएं रेशियो से, ब्याज दे दे तब भी यही लगाएं, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं, ब्याज निकालने के लिए इतने इतने बढ़िया मेथड है ना कि अब जैसे यही है
इसको आपने समझ लिया अच्छी तरीके से, तो आपको 2 साल का ब्याज निकालने में 10-15 सेकंड से ज्यादा लग ही नहीं सकते। क्या कैलकुलेशन होगी अगर किसी का 12% भी निकालना है, बहुत टाइम लगेगा 12 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, सक्सेसिव से कर सकते। जैसे 5% है तो 5+5 और +5 इनको 5 पर डिवाइड किससे करते हैं, तो 5% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज बनेगा वो 10 नहीं बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज से। आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सक्सेसिव में कितने परसेंट बनेगा, 2 बार 5% प्लस करने पर 5 का 5% एक्स्ट्रा भी तो आएगा। आपने मेथड पढ़ा था परसेंटेज एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन। अब मैंने 5% को 2 बार बढ़ाया तो 5+5 तो 10 हो गया, लेकिन 5 × 5/100 प्लस करना पड़ेगा, यानी 5 × 5 = 25 होता है, तो 0.25 और। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, 3200 रुपये का 10.25% निकालेंगे तो ये हमारा आंसर निकल के इतना ही आएगा, कितना 3000। ठीक है, इससे नोट कर लो। एक सेकंड, 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 एक